Good, how are you? What is? Would you like to mute once and then come live again? Okay. Good, how are you? I am good. What is? Would you like to mute once and then come live again? Okay. Good, how are you? I am good. Okay. Hi, everybody. Hi, Yasir. Hi, Muzambir. Hi, Umair. Hi, Gufran. Welcome, everybody. This is a wonderful setting. Hum sab digital pe ab tune in ho chuke hain. I'm very, very happy. I ditched Naeem once, and I'm glad that he has made an appearance again. Naeem Zamindar is a very popular, very, very popular entrepreneur, a serial entrepreneur, I would say. He has been on the investment side. He has been seen as a business leader, very, very old times mobile anchor, founding team se. वतीन में आपने कहीं रोल देखा फिर एक्यूमेन में और फिर मिनिस्टर भी बने सो व्हाट अ लवली प्रोफाइल एंड इट स्पैन्स वे बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री थैंक यू वेरी मच नईम भाई फॉर मेकिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस जबरदस्त लुक फॉरवर्ड टू इट साथ साथ नईम यस यस वी कैन देयर इज जस्ट अ लिटिल लैग बट आई थिंक वी शुड कंटिन्यू थोड़ा सा हम चैनल्स की तरह बिहेव करेंगे कि आवाज थोड़ा लेट आ रही है बट दैट्स फाइन ओके सो नईम भाई अलोंगसाइड दिस बिजनेस लेट मी चेंज माय कलेक्शन होल्ड ऑन अलोंगसाइड हिज इन्वेस्टमेंट वर्क इज आल्सो अ योगा आल्सो अ मेडिटेशन टीचर और ये बहुत खूबसूरत कोर्स कराते हैं जिसके बारे में हम उनसे बात करेंगे और आपसे प्लीज गुजारिश है कि अपने सवालात पूछें हमजा वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू लिव योर फुलेस्ट एक फुलफिलिंग जिंदगी के क्या राज हैं आप और मैं जो बने हुए हैं जो हमारा जिस्म है जो हमारी सांस है जो हमारे जज्बात हैं जो हमारी सोच है इन सब को चलाने का सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं अपने आप को पहचानने के अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के नईम भाई उनमें से एक हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे सो प्लीज आप अपने सवालात भी साथ शेयर कीजिएगा आई वुड बी टेकिंग क्वेश्चंस एज वी गो फॉरवर्ड आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आईड लाइक टू शेयर विद यू बिफोर वी गो अहेड एंड नईम भाई इज एबल टू जॉइन अस सो नंबर वन वी विल टॉक अबाउट द कोर्स ही टीचर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है 3 दिन का जो कि लोगों को जिंदगी सिखाता है अपने जज्बात के करीब लाता है हम उसके बारे में बात करेंगे फिर मैं नईम भाई से जानना चाहूंगा कि ये ब्रेथ और बॉडी इसके बारे में उन्होंने क्या बड़े बड़े राज पता किए हैं सिखाते भी हैं नंबर 3 क्या जरूरत है पॉज करने की डिटॉक्स करने की अपने दिमाग को अपनी फीलिंग्स को नंबर 4 एनर्जी बहुत सारी कैसे क्रिएट करें पॉजिटिव एनर्जी हर किसी का सवाल होता है नईम भाई माशाल्लाह हर वक्त एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव रखते हैं और ही कैरीज ग्रेट एनर्जी सो वी गोना आस्क हिम अबाउट इट कुछ बात करेंगे डिसबिलीवर्स के बारे में जो कि मेडिटेशन से या पॉज करने से रिफ्लेक्ट करने वाली चीजों से बहुत दूर भागते हैं एंड लास्टली हम अपनी जिंदगी में क्या चीजें ऐड कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों रोजाना और ज्यादा खूबसूरत जिंदगी गुजार सकें इस दुआ के साथ की निश्चित हम सबके लिए बहुत सारे खूबसूरत ख्यालात लेकर आए आप मुझे फेसबुक लिंक्डइन यूट्यूब तमाम चैनल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच नईम भाई वंस अगेन पहला सवाल आप अपने आप का तारुफ कैसे कराना चाहेंगे Or is it?
आप लोगों को नईम भाई की आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे नहीं आ रही। ओके, कैन यू गाइस हियर मी? नदाब, फाइक, मुजम्मिल, कैन यू हियर मी? Okay, all right. Naeem bhai, are you on mute by any chance? Can you try again? Okay, just a couple of minutes, guys. I'm using StreamYard for the first time, and good that you can see me clearly. You can hear me clearly. नहीं भाई, आपकी सिर्फ शक्ल आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हम क्या करें, आप ऐसे ही हमें एक्सरसाइजेस करा दें कुछ सांसों की, इशारों से। Yes, we are gonna do that. Okay, what? How about I am putting you out of stream? Can you restart your browser and join the link again? Meanwhile, I'm gonna try keeping them engaged. Don't worry, they're not going anywhere, guys. Please stay with us. Nahim bhai, I'm requesting you to just sort of opt out and restart from your browser. Okay, yes, he will be joining us shortly. So Naeem teaches a very interesting course, jo ke 3 din ka hai, jo ke bahut sare professionals, adults aur entrepreneurs ko maine attend karte hue dekha hai. Aur tamam log jab ye attend karte hain to wo kehte hain ki wo apne aap ke bahut kareeb aaye, apni emotions ko recognize kar paaye, usko deal kar paaye. Aur saath kuch aise rituals hain, kuch aise physical exercises hain jo ke bahut zyada helpful ho sakti hain. फोकस आपकी एनर्जी बढ़ाने में। यस, वी कैन हियर यू नाउ। दिस इज लवली, गुड। खुदा का शुक्र। तो मैं ये कह रहा था, मैं आपकी तरह बिल्कुल एक आम आदमी हूं। आप तो आम आदमी नहीं है, माशाल्लाह, यू आर हीरो, सुपर हीरो दिस डेज। ओके, फॉर श्योर, फॉर व्हाट यू डूइंग। बट वही बात है कि जो मेरी जिंदगी में जो मेरा राज है वो मेडिटेशन है, और बेसिकली लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, गेटिंग गुड एट इट। तो ये जो मेरी जिंदगी बड़ी एक एडवेंचर रही है। मैं अमरीका में था, अमरीका में पढ़ते पढ़ते मुझे नौकरी कर रहा था वहाँ। एक दिन ख्याल आया कि आई नीड टू फाइंड माई वे, आई गो टेक वन ईयर ऑफ, बैकपैक लेके दुनिया घुमाया, और फिर पाकिस्तान वापस आया, और पाकिस्तान में आई स्टार्टेड एंटरप्राइज, फेल्ड मिजरेबली ट्राइंग टू डू अ स्टार्टअप, इतना फेल्ड मिजरेबली, सो मिजरेबली कि मैं कराची में रहता था, आई टू लीव कराची एंड गो टू लाहौर। And Lahore, I was very lucky. I found a new company which had no name at that time. It was, we named it Mobilink at that time. So Mobilink, wow, became to Jazz. I was employee number 6. Oh, it was a zabardast journey from failure to, you know, amazing journey. So yeah, zindagi ka adventure. If you stay present, you stay open, you don't, you know, follow mere sath kya ho gaya, wo apne barbadi mein agar doobo na, to raaste bade hain. और वो रास्ते में फिर मैं वापस सिलिकन वैली चले गया, वेंचर कैपिटलिस्ट बना, और मुझे मेडिटेशन का बहुत शौक हो गया, और इतना शौक है कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई आफ्टर लर्निंग हाउ टू मेडिटेट यूजिंग द ब्रेथ, हैविंग द एनर्जी एंड द प्रेजेंस चेंज माय लाइफ, एंड आई टॉक मोर अबाउट दैट। बेसिकली टू द एक्सटेंट आई लेफ्ट सिलिकन वैली, आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बीच, आई गेव इट ऑल अप, केम बैक टू पाकिस्तान, बिकेम अ टीचर फ्रॉम BMW टू अ बस, and I did that teaching for BMW to a bus. Wow. Yeah, it was brilliant, because when you follow your heart, there's something beautiful that happens to you. When you follow your spirit, your calling, even though I had to, because I came from a middle class family, my family said I had gone crazy, right, doing yoga and meditation. No, crazy, especially 15-16 years ago, and giving up your job and everything, career, to do it, people thought I was totally crazy. But it's that craziness when your heart opens up, gives you the courage and the strength to grow bigger than your little idea of who you are. And I became a teacher. Wow, when your heart opens up, gives you the courage to grow bigger than the little entity that you think you are. I like that. Wonderful introduction, Naeem bhai. What is this course that you teach? I hear that you are teaching for many years. I haven't been able to transform my mazrat until now. But I have seen many people transform themselves. What is this course? देखो, ये कोर्स में बहुत सिंपल एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप इस लम्हे में आ जाते हैं, ठीक है ना, और आपके पास ऐसी एनर्जी आती है
कि दो वेरिएबल्स है, एक है एनर्जी. इफ एनर्जी इज हाई हाउ डू यू फील, टेल मी. वाओ ना, वाओ. यस, तो ये एनर्जी के अलावा एक इसको एक वर्ड है, इसको संस्कृत में इसको कहते हैं प्राणा, चाइनीज में इसको ची कहते हैं. अपना टाई ची सुना होगा. ची इज लाइफ फोर्स, प्राणा इज लाइफ फोर्स. द लाइफ फोर्स विद इन इज व्हाट रियली एनर्जी इज, द राइट काइंड ऑफ एनर्जी, राइट. And when it's high, you feel like, wow, everything looks beautiful. When it's low, everything looks negative. You doubt everything. When it's high, you feel optimistic. You feel positive. You believe people. You trust. So it's a very important variable. And I'll tell you, talk to you about in this course, you not only we, I'll explain some of the stuff, but we make you experience it. In 4 days' time, your energy level goes up to a different level through these practices. यानी अगर मैं एक मरा हुआ सा आदमी हूँ और मैं लूजर, मेरी शक्ल ऐसी रहती है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप ये कह रहे हैं आप मुझे मेरी एनर्जी से मिला सकते हैं, एंड आई विल फील लाइक दिस एंड विल गो आउट एंड डू थिंग्स. एब्सोल्युटली, इसकी इतनी सिंपल सीक्रेट्स है, ठीक है. और इसको आप जितना बढ़ाते जाएंगे ना, आपका जिंदगी में दर्जा इसी से डिटरमिन होता है. अगर आप में एनर्जी हाई है तो लोग आपके साथ आपके चिप आप वो, इसको करिश्मा भी यही कहते हैं, एक तरीका करिश्मा जो उसमें एनर्जी होती है. आप जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों के पास, यू फील गुड. सम पीपल यू वांट टू बी वेरी क्लोज टू, द मोर हायर द एनर्जी यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल आल्सो, नॉट ओनली थ्रू योर प्रेजेंस बट आल्सो योर वर्ड्स, एवरीथिंग विल हैव मोर ब्यूटी टू इट. सो एक तो ये हो गया. दूसरा ये है कि देखिए कि एनर्जी के साथ आपको इस लम्हे में होना चाहिए, बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ. हैप्पीनेस इज हियर एंड नाउ. Okay, what takes away your happiness? Tell me what has taken away your happiness. You were a kid, used to be happy, right? What happened? What has happened over the years that you lost your happiness? बस गम लगे, दिल टूटे, कुछ नाकामियां हुई, कोरोना आ गया, लॉकडाउन में चले गए. देखा, देखो दो चीज याद रखो. एक तो हम अपनी ज्यादातर एनर्जी जाया करते regretting about the past, कि पहले क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे साथ मेरे बाप ने थप्पड़ क्यों लगाया है मुझे, ठीक है ना. जो भी बकवास होती है, वो आधे वक्त उसमें फंसे होते हैं, और दूसरा आधे वक्त फंसे होते हैं कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है, कि यार will I do well in the exam, will I get a good job, will I find a good great wife or my soulmate, will I have great children. Always about something else, you're always, you know, worrying about the future. Even now, tonight you're saying, khana tiyar hoega ya nahi tiyar hai, kya karunga, bhukat nahi sounga. You're always thinking about the future, worrying about anxiety. No future. This vacillation of the mind is what causes stress. And stress is what takes away your happiness. Where is happiness? Wow. Tell me, where is happiness? I have just learned it. It's in the present. It's in the here and now. एवरी मोमेंट यू फील द डेप्थ ऑफ योर नाउ. कोई ख्याल नहीं आएगा पीछे का, आगे का, कोई परेशानी नहीं. जब उसमें आ जाता है इंसान, इसी को कहते हैं सेल्फ मास्टरी. और इसकी बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है. देखिए, हमारा माइंड स्लिप कर रहा था ना आगे पीछे. ब्रेथ किधर है? हेलो, या यू हियर? हेलो, माइंड स्लिप कर रहा होता है. आई गॉट दैट पार्ट. हेलो, यस, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? आ रही आ रही है. गो ऑन, गो ऑन. हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो हैप्पीनेस इज हियर एंड नाउ, ठीक है ना. एंड योर ब्रेथ इज, वेयर इज इट? इज हियर एंड नाउ, इज हियर एंड नाउ ना. इफ यू कैन ब्रिंग योर माइंड इनटू योर ब्रेथ, ओह इट्स हियर एंड नाउ. सो वी विल ट्रेन एंड कंडीशन यू टू यूजिंग योर माइंड, योर ब्रेथ, टू ब्रिंग योर माइंड इनटू द प्रेजेंट मोमेंट. Can you hear me now?
ओके आई लाइक दैट आई गॉट दैट पार्ट नहीं भाई वेरन यू सेड के हम या तो माजी के बारे में फिक्र में रहते हैं या मुस्तकबिल के बारे में एंड हैप्पीनेस इज इन द हियर एंड नाउ और हियर एंड नाउ पे एक बहुत अच्छा एंकर है जो मेरी सांस इस वक्त चल रही है अगर मैं इससे अपनी अटेंशन जोड़ सकता हूँ जो कि मेडिटेशन कराती है आपको आपको फोकस कराती है तो मैं इन द हियर एंड नाउ आ जाता हूँ इसके बारे में मजीद जानेंगे सॉरी वी लॉस्ट नेम बाय फॉर अ सेकंड Yes, please go on. So breath moment में इस वक्त हो रही है और जो मजे की बात ही देखो ये breath बहुत कमाल की चीज है ये energy भी देती है और आपको present में भी लाती है तो अगर आप ये कर सके तो हमारे क्लास में यही सिखाते हैं आपको basic technology to bring your breath you know use your breath effectively there are practices that will bring you to the present moment it will energize you and we don't want you to you know Just believe what we're saying. It's not an intellectual process. It is a process experiencing it. एक चीज मुझे बताएं सिंपल बात पूछूंगा आपसे जब आप गुस्से में होते हो आप किस तरह ब्रीथ करते हैं It's उकड़ी हुई सांस होती है बहुत Exactly. You're a brilliant actor. Actors use the breath to show different emotions, to create the different emotions. Right? And we've got a great actor here, man, in you. So you did it beautifully. Okay, so what's the point of me? I'm going to tell you the mental and emotional state has a corresponding rhythm of the breath. So if you feel a certain way, you breathe a certain way, right? You can now reverse engineer it. You can use your breath to control your mind. Wow. And that's what we teach you. How to use a breath to control your mind. We will do an exercise together so that at least you know, people get a short experience of it. Wow, it's wonderful. Tell me a little about the significance of taking this pause because there are a lot of disbelievers would say ke aap chale gaye 5 minute apni duniya mein khush hokar aa gaye usse dekhe duniya to nahi tabdil hui. Why is it really really important to take a pause to detox your mind? Listen, you just said it yourself. When you this pause is to just quieten the mind because if things are like you said, na, you and your mind is excellent. When you take a pause, you are able to get out of the cycle, right? And just observe your when you in the pause, you're observing your thoughts, and you actually the space of meditation is space of letting go. कि आपने चीजें छोड़ दी. हमारे तो पांच वक्त नमाज पढ़ने का भी मकसद यही है. कि आप वो पांच वक्त के लिए आप पूरी दुनिया को छोड़ दे भूल जाए आप जब आप मसल्ले पे खड़े तो खाली आप किसी कोई ख्याल नहीं आना चाहिए सिवाय अपने परवरदिगार का वो आपको उस लम्हे में ले आते वन ऑब्जेक्ट ओनली वन द वन इज तौहीद तो मकसद यही आप यू नीड टू टेक आउट एज मेनी टाइम्स ये 5 मिनट्स आई डू 20 टाइम्स अ डे राइट जरूरी होता है कि टू बी एबल टू क्लियर योर माइंड टू बी हियर नाउ इट्स प्रैक्टिसिंग इन द माइंड इट इज द प्रैक्टिस दैट मेक्स इट आपको मसल्स बनाने हैं तो 24 घंटे तो नहीं वर्कआउट करना होता है आपको बस यू गो डू योर यू नो 2-3 आवर्स अ वीक एंड योर बॉडी स्टार्ट्स लुकिंग प्रीटी गुड राइट इट्स अ प्रैक्टिस इसी तरह इसको भी आप थ्रू प्रैक्टिस ऐसा बना सकते हैं कि ये हर वक्त इधर उधर ना भागे यू कैन होल्ड इट Wow, it's going to be powerful. Imagine this. This thinking machine, which is काम हर वक्त सोचना है कि काबू में हो और ये ना माजी में हो ना मुस्तकबिल में हो. I like that. Wow. How do you make that happen? Can you demonstrate that? Can you make us do something right now? A quick exercise that will help us feel it. तो देखो, I will do a breathing exercise. Huh? Now there are many breathing exercises I can teach you, but do you want to what do you want to get energized now? Are you still early in the day or late in the day? You want to go to sleeping mode or you want to be in the energized mode? लोगों से पूछते हैं आप energized होना चाहेंगे या relaxed होना चाहेंगे? What would you like to do? And while you tell us that, what I'm just going to reinforce what Naeem bhai said, ke certain feelings ka jo humare dimag mein kaisiyat chal rahi hai, unke breathing patterns hai. Hum isko reverse engineer karte hain, yani breathing pattern ke through us feeling ko influence karne ki koshish karte hain. We're not,
I think this poll is going to take its while. Okay, energize. Yes, I think we have the two answers there. Thank energize. You. All right. Let's energize. Okay, let's go for this. Okay, in this exercise, first I'll show to you. देखो पहले मैं शो करूंगा ठीक है समझाऊंगा फिर मिलके करेंगे ठीक है हंसता नहीं है भैया मैं कैमरा के सामने आ जाऊं ये सॉरी ये ठीक है तो इसमें क्या करना होता है बेसिकली आप अपनी अंगूठी को या हल्के तरीके से अपने शोल्डर के अगेंस्ट रखते ठीक है और आप पहले एक नॉर्मल ब्रेथ इन लेंगे और फिर उसको ब्रीद आउट करेंगे जब एम्प्टी कर लिया तो एक फोर्सफुल ब्रेथ लेंगे और उंगलियां खोलेंगे उंगलियां खोलेंगे बिल्कुल ऊपर सीधा कि पूरा आपके पूरा लंग खुल जाता है ठीक है फोर्सफुली ब्रीदिंग इन एंड देन फोर्सफुली ब्रीदिंग आउट वुड बी बेसिकली यू लाइक पुलिंग अ पार एंड ब्रिंगिंग इट आउट ठीक है फोर्सफुली ब्रेथ इन इन आउट फोर्सफुल ब्रेथ इन आउट In, out, in, out, and relax. मैं अभी अभी एक और चीज समझा दूँ। एक और एक वन सेकंड सेकंड। हम इसको देखो, इसमें आप ज़्यादा टाइट ना रखें, अपने बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्स तरीके से करना है, ठीक है? मैं आपको इसको ये तीन सेट्स कराऊंगा इसके और ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि how the breath will control your mind, right? So I want you to in this become aware of your own mind and your body. So in this exercise, keep your eyes closed. I will guide you in the count, and you will just follow. And I'll make you do three sets of this, 3 times 16, right? So we'll do 3 sets of 16 repetitions. And okay, name that, just a second. सारे लोग जो बैठ के comment कर रहे हैं, देख रहे हैं, उंगलियां चला रहे हैं, कोई कम नहीं है, जरा हाथ उठा ले. This is a new normal, okay? So please, if you साथ करेंगे, you will really, really be able to feel what Naeem is talking about and get into that moment. So अच्छा है आप experience करें. Go on, Naeem. और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी observation क्या है. See what happens to your whole mind in the process, okay? All right. Let's you bring your fist in line with your shoulders. Take a normal breath in and breathe out. Now with the forceful breath in, go up, breathe in, breathe out, in, out, in, out, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12, in, 13, in, 14, in, 15, in, 16, and relax, eyes closed. Throughout the process, keep your eyes closed. Observe the sensations within. Keep your spine straight. And just observe the sensations in your body. Get ready for second round. Fist in line with your shoulders, eyes closed, attention within. Take a normal breath in. Breathe out. And now begin. Breathe in, out, in, out, in, out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. In, 8, in, 9, in, 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16. And relax, eyes closed, palms on your knees, palms facing skyward. Apne palms ko bilkul skyward ki taraf rakhe, khulle chhode. Observe the sensations in your body. Get ready for third round, third and final round of
bellows breath, fist in line with your shoulders. Take a deep breath in. For the last time, breathe out. And begin. Breathe in, out. Breathe in, breathe out. In, out. In, out. Eyes closed. In, out. 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 And relax. Eyes closed. Palms on your knees. Palms facing skyward. Observe the sensations within. Apne andar ka haath mehsoos kijiye. Take a deep breath in, and with a big smile on your face, you may slowly open your eyes. Thank you. Tell me, how do you feel? And ask your participants. I'm asking for, they're telling me, Mehtab, Arif, Karen, neend aa gayi. Kisi ko lag raha hai, hum dono so gaye. Some people are saying Medina says that great, Abdul Jabbar says that's nice, Mehtab says it's working. So, what I'm saying is that what this does is you feel the energy in your whole nervous system, it lifts your energy level to a whole different level. And number two, you notice you're in the moment, you're not thinking about anything but here and now. Can you feel that? Mehsoos ho raha hai ki aap is lamhe mein aa gaye. ये एंशिएंट टाइम है ये ज्यादा फोकस फील हो रहा है. आई फील दैट आई हैव क्लैरिटी. आई एम मोर हियर. एग्जैक्टली, यू आर मोर हियर एंड इट शोस इन योर फेस. आस्क योर ऑडियंस, यू लुक मोर नाउ. लुक एट योर फेस, योर एनर्जी लेवल ऑन योर फेस इज गॉन अप ड्रामेटिकली. यू लुकिंग अमेजिंग. आई होप यू नॉट मैरिड. डू आई लुक लाइक जमींदार? I'm married. I am very happily married. Oh, मैं in the moment था, लेकिन मेरे दिल चाह रहा था फवाद खान की जरूर बेइज्जती करें. इन्होंने कहा, I think I'm the only one who's watching and doing nothing. और फिर हीरो बन के इन्होंने कमेंट भी छोड़ा है इस बात पे. Aslan says there is clarity. Yasser says there is super feeling. This is wonderful. Very nice. Tell us a little more about this. Just build upon this thing by just like you made us do this one exercise. Are you saying we should do this every time? Are there more things? Yeah. So when you feel like, you know, your energy level is falling, and you know, आपका दिल मज़ा नहीं आ रहा कोई चीज़ में, आप ये बैठ के अब spine सीधा करके इसके तीन set करें. अभी मैंने 16-16 करवाए, बढ़ाते हैं 20 तक ला लें. 20 तीन दफा करें. आप देखेंगे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आपकी एनर्जी लेवल राइज हो जाएगी. आपके सॉल्यूशंस खुद आने लगेंगे. ठीक है ना? और आप वहां बैठे रहे, आपको 5-10 मिनट बैठ सकते हैं. यही देखिए, आपका माइंड तक क्वाइट रहता है इन द ईयर नाउ. जब आप इस हियर हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, यस यस, आई कैन हियर यू. ओहो, मेरा गड़बड़ हो जाती है भाई. आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं कॉल बैक कर लूं? यस प्लीज कम बैक अगेन. मीनवाइल मोर क्वेश्चन. तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है. वाह, अजहर हमजा हैज मेड एन एंट्री फ्रॉम पेशावर. अजहर, दैट्स अ वेरी ओल्ड फोटो ऑफ योर्स बाय द वे. हाय नदाब. नदाब हंस रही है. हा हा, wonderful. I must say there is different energy. Yes, hadith mein hai. वैसे मैं बहुत ज़्यादा अपनी training बहुत कुछ बातें बार-बार सुनाता हूँ और ये hadith हमेशा सुनाता हूँ कि जब तुम गुस्से में हो तो अपनी हालत तब्दील करो. यानी अगर तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ. Whenever you do that, तो you feel that your energy level shift inside you. अगर रिलीजियस रिचुअल्स भी देखें, नमाज, रोजा, ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व अ पार्ट ऑफ द फिजिकल. कुछ ना कुछ फिजिकली करना पड़ता है. एंड सो नहीं भाई, यू वर टेलिंग अस लाइकिंग अस अ लिटिल बिट, प्लीज गो ऑन. तो ये आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप दो चीजें की, आपकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाती है, प्राणा लेवल, लाइफ फोर्स आपकी फील होती है,
और दूसरी बात, यू कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट. यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, कम इनटू द प्रेजेंट, कम इनटू द हियर एंड नाउ, राइट? एंड यू विल बी, यू विल बी फुली मोबिलाइज्ड. योर इंटेलिजेंस, योर मेंटल कैपेसिटी इज ऑल चैनल. इट्स लाइक यू नो इन मार्शल आर्ट्स, व्हाट डू दे, यू चैनल योर एनर्जी. You learn wow. to be come into the moment. All these practices, even when you do slow motion Tai Chi or anything, it is to be able to slow down your mind, to be able to come into the here and now. So you have to give attention to your fingers. It's your like before you take the shot, you take that moment, bring your mind. Yes. And you can do it anyway. No, you know, I'm sure you have your own ways of doing it. Listening to music and playing, you know, totally savoring the moment. Eating a good meal, अच्छा चॉकलेट का पीस खाओ, ओए होए होए, बंदा उसी वक्त समय में आ जाता है. चॉकलेट से याद आया, एक डेरी डेरी मिल्क, एक तो होता है आप पूरी फौरन फौरन खा जाए, एक होता है कि आप एक पीस लें, उसको जुबान पे रखें और उसको फिर मेल्ट होने दें. या अंगूर को बहुत गुच्छा खाने के बजाय एक खाएं, दांतों के बीच में दबाएं, वो जो पिचकारी. There is something there. Okay, very nice. I would, I have this for you and me taking our questions as well. But real question. How do you let go the memories that are haunting you? Everybody has experiences that they you know, sometimes are not very very happy. And they create our present toxic. So let go करने पे आप कैसे में advice देंगे? Of course, in the moment तो मैं आ गया, लेकिन मसला जो है दिमाग में था वो हल नहीं हुआ, वो haunt कर रहा है बार बार. देखिए, जब हम course में करते हैं ना ये, तो हम एक बड़ा आपका detox करते हैं, nervous system detox. होता क्या ना, ये हमारे thoughts, हमारे emotions और जो हमारे physical sensations होते हैं, जिंदगी भर में मिल जाते हैं. आपके पैटर्न्स बन गए होते, हो सकता है आप एक पैटर्न रन करो, आपका कोई ट्रिगर इवेंट, आप में एक डिसएम्पावर्ड स्टेट आपको एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ, आपको नेगेटिव स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि वो पैटर्न बन गया आपका कहीं कहीं ना कहीं. और कभी कभी फिजिकल सेंसेशन ट्रिगर कर देता है, कभी एक थॉट ट्रिगर कर देता है, कभी इमोशन आता है, तो यू स्टार्ट गेटिंग ऑल दी ऑड थॉट्स एंड फिजिकल सेंसेशंस एज वेल. सो ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड. So what we do is we run a very powerful breathing process through which we detach it. So these stresses that you may have been from, you know, from your parents, your grandparents' DNA. क्योंकि वो DNA coding आपकी बड़ी चल रही है अभी तक. तो हम उसको we allow your software to be upgraded, right, by removing all the bugs. अगर ये हो तो मेरे अंदर क्या हो, जब मैं एक कमेंट पढ़ू तो मैं किस थॉट पैटर्न पे चला जाता हूँ, किसी ने अम्मा ने कुछ कहा, अब मैं बिल्कुल वर्थलेस फील करता, चलती रहती है वो ट्रिगर सोच की एंड तक पहुंचा देती है. आप ये कह रहे हैं कि उस पैटर्न को ब्रेक की जरूरत है, और वो ब्रेक जो है वो इस तरह की एक्सरसाइजेस से, व्हेन यू आर एबल टू सी योर थॉट, योर इमोशन रादर मोर क्लियरली, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न. और देखिए, कभी कभी फॉर एग्जाम्पल कोई आपको मेंटल इमोशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर आप इसको इंटेलेक्चुअली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, यू आर वेरी लिमिटेड, राइट? यू शुड वेरी ऑफन, इफ यू फील दैट, ना कनेक्ट योर बॉडी, बोलो कि वेयर एम आई फीलिंग इट इन माय बॉडी, इसको पहले महसूस करें. अगर मेरे दिल में महसूस हो रहा है किसी से प्यार हो गया, प्यार में आपका दिल टूट गया, तो आप दिल पे ध्यान दें, इसे लड़े ना, इसके साथ आप बैठे, आप इसको बोले उसको प्यार करें, इसको ये भी ना बोले आप गलत कर रहे हो, क्योंकि देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स फीलिंग इट. जस्ट बी विद इट, लेट योर ग्रेटर इंटेलिजेंस वर्क इट्स वे. यू नो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. इमोशंस, यू नो, वी क्रिएट ओन इमोशन. अच्छा, बता, अब आगे चलते हैं, मैंने आपको पकड़ना है इस बात पे. ये दिमाग, इसकी सबसे ज्यादा, इस पे सबसे ज्यादा हीरोइज्म होता है, इस पे सबसे ज्यादा हम एफर्ट भी कर रहे होते हैं, पर से एटलीस्ट कह रहे होते हैं. आप कह रहे हैं कि इससे बड़ी कोई इंटेलिजेंस है, मैं इसको पॉज कर दूं. नहीं, देखो, आप अपने सोचेंगे ना, आप अपने जो थॉट्स चले ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. देयर इज एन ऑब्जर्वर विद इन यू, राइट? व्हाटएवर यू कॉल इट,
हम जो हम क्लास कराते हैं उसके अंदर हम आपको टेक यू थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ बीइंग, बॉडी बीइंग वन ऑफ देम, राइट, ब्रेथ, माइंड. इफ यू ब्रेक इट डाउन, देयर आर लेयर्स, देयर इज आल्सो अ स्पिरिट विद इन यू, देयर इज आल्सो एन ईगो विद इन यू, देयर इज ऑल दीस थिंग्स एग्जिस्ट, नथिंग इज गुड और बैड, एवरीथिंग एग्जिस्ट, बट व्हेन दे कम एंड डिस्टर्ब, एंड आई टेल यू द, लेट मी टेल यू द सेवन लेयर्स. एक तो बॉडी होता है ना, इसके अपने रिदम्स होते हैं. बॉडी के अंदर एक ब्रेथ चल रहा होता है, right, which is also a, it is got a rhythm of its own. With the, beyond the breath is the mind. The mind we call that thing that perceives things. You see, are you listening to me? Yes. You're not, okay, so you're not listening with the, that's the body, but there's something which is listening. The perceiving quality is called the mind. Beyond the mind is the intellect, the judging quality, which is judging. Yaar ye nahi bakwas kar raha hai ya kuch dam hai iske iski baat mein. Theek hai, wo judge kar raha hota hai. And what is the judging happening on? On the basis of what you already know. Now, something new, you will, that's why after the age of 5, we learn very, very little, right? Because we're always judging everything. Because it's overactive. And that's what a lot of our society has done. Made it overactive, right? You only take in stuff that sort of kind of agrees and fits with you. That's why in the ancient way of learning was to take it in, to experience it. If it doesn't feel right after a while, spit it out. Take it out. So beyond the intellect is the memory, right? The intellect uses the memory to draw that out. See, memory can be disturbed. A lot of people have traumas, right? What is a trauma? It's a memory that's not getting processed. It's so traumatic that your mind can't process it. Because we've all gone through bad things. You know, we've had a hand burnt. We've had worse things happen, right? But we process it. We say, yeah, it's gone. It's in the past. Let's move on. People who are tortured, who are traumatized, they feel it's now, it's happening now again. Right? So the whole body also feels it. It feels the tenseness. Just pause. I think you've, but this is remarkable. There is, so agar mera trauma maazi ka hai, aur isko mere dimaag mein sata raha hai, toh main is present mein wo feel kar raha hoon. That's what you're saying. Exactly. That's why it's so harmful for you. So if you have processed it, we've all been really bad things, right? Some more, some less. I survived a bomb blast when I was, you know, like 20 years old. I saw 80 people die on that day, right? So that's one of the traumas. So when I did the meditation and I let go of my trauma, man, I felt such ease. Ke is lamhe mein aa gaya. Kyunki jab bhi main TV mein dekhta tha koi khabar ki bomb blast hua hai. तो मैं वो मुझे पता भी नहीं होता था, मैं 3-4 दिन डिस्टर्ब रहता था, राइट? ये क्यों ट्रिगर होता है आपको पता भी नहीं होता है, बियॉन्ड योर कॉन्शियस माइंड. तो इसलिए आपको इट्स वेरी इजी टू डील विद दिस. ये आ गया. सो बियॉन्ड दैट इज ईगो, बियॉन्ड द मेमोरी इज ईगो. ईगो, ईगो इज नॉट अ बैड थिंग, अ गुड थिंग. ईगो एवरीबॉडी हैज, ठीक है? ओके. ओबेर थिंक्स ही इज द बेस्ट, मोस्ट ब्रिलियंट, यू नो, टॉकर इन द वर्ल्ड. True or false, nothing wrong with that. But if it makes him, you know, feels separate from others, that is a problem. Some people have the other way around. They feel that, oh my God, yeah, I'm so stupid. I'm not beautiful. Yeah, I'm fat. Ego. When it's balanced, you have an identity. Ego is the sense of self. It's what separates me from you. It's the thing that separates us. And there's a need, we need to have that to be able to operate as identities, right? But beyond the ego is the self, or what you call the soul, or the super consciousness. We're all connected and we are one. Can we do the sequence again? We started with body. Yeah. Mujhe toh aa rahi hai aapki awaaz. I can hear you. Good. So that place where we are one is where we are trying to get to. That's the ultimate. You know, that's where you feel absolute love. You don't feel separation. Omer, you are me. I am you. The environment is my environment. It's not somebody else's. I feel a sense of belongingness. Those who feel a sense of belongingness, who feel love, are the ones who are feeling the divine. That's why, who are Sufis? They are lovers. They love in love because everything is theirs. Everything belongs to them. And that's the beauty of the spiritual path. If you can remove stresses from your body, you will get closer to Allah. Right?
एंड स्ट्रेसेस डोंट मीन कि भाई इश्यूज नहीं हुआ, इश्यूज हो सकता है, नौकरी चले गई भाई यही है, बट यू कैन बी बियॉन्ड बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन बी बियॉन्ड योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट, राइट, टू बी सो सरेंडर्ड. वो आपने सुना है ईसा अलैहि सलाम क्रॉस पे लगाया हुआ था, नेल्स बांधी हुई थी, नेल्स, ठीक है, उनके मुंह में एक स्माइल था, क्यों, क्योंकि he was in the here and now, जो भी doesn't matter, he was surrendered, he was in the space of the divine, where you feel bliss, you feel bliss, that's why it's so addictive. Why did I give everything up and do all of this? पागल थोड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा bliss मिलता है, मैं अपने फायदे के लिए करता हूँ, वही मेरा फायदा. इसमें अच्छी बात ये कि इस फायदे में ये एहसास आता है कि हर चीज मेरी ही है, तो मैं हर चीज को अपनी अपना अपना समझ के प्यार करता हूँ, ठीक है, अपने मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे अपने खुद के बच्चे नहीं है, ठीक है, डजंट मैटर, मेरे लिए सारे बच्चे एक है यार, वो इतनी कोई तलब नहीं रही कि भाई मेरे अपने बच्चे होने चाहिए, ठीक है भाई, सारे बच्चे मेरे, सारे लोग मेरे भाई बहन है, तो वो एक डिफरेंट माइंड सेट होता है. So, to be a Sufi, and this is the way to get there, is that to relax, to learn to be happy, to have a smile. The Prophet Muhammad, he was always smiling. Kuda kachra phek rahe hote uske upar, smiling, nothing bothered him, because he was in the here and now, he was in bliss, he was in the divine, he was at the highest. Wow. That's fantastic. I like it how you bring so many things together. Naeem Bhai, it's been an absolute pleasure. I would like to take many of the questions that are there on the screen. My last question to you is, what is your daily dose recommendation to all of us? Sheriyar dekh rahe hain, kamra, lots of people. What would you recommend? Ke rozana kya cheez zarur karo, that will help you become more and more aware of yourself. Main to ek jo ek cheez recommend karta hu na, ki har insaan fajar ke waqt उठे या सुबह जल्दी उठना चाहिए, राइट, और उस वक्त ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई आप यही करें, और 10-15 मिनट आप खामोशी में गुजार लेना, एंड यू गेट डीप. देयर इज अ लॉट यू कैन डू, आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, तो मैं बट कहता हूँ जो भी आप करते हैं 10-15 मिनट सुबह अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज करना जरूरी है, बिकॉज यू गेट इन ट्यून, योर होता ना एक टेंडेंसी बिकम्स पॉजिटिव, योर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. It gives you deep intuition to the day, gets you focused. And getting started in the morning, your body rhythms are most productive. Success and failure, happiness, and all these things are made out of small, you know, one thing at a time. It's not one big victory. It's every single day, every moment. How you live in every moment is actually the source of your victory. ठीक है, एक ही हो गया. और दूसरा, take some out time. If you can come and do the course with me, right? We'll organize one with your institute. Let's get more people to come. We can even do it online if you want. But it's, you know, four sessions of 2 hours. We can do it online. This is a good time. कितने लोग करना चाहेंगे कोर्स, जरा हमें इंटरेस्ट बताएं इन्हीं कमेंट्स पे. Our team will try organizing the course. Let's see if we can make it happen. It will be lovely. Our what you do making it happen for so many Pakistanis all over. Wonderful. Koi aur sawal jo aap puchna chahenge? Aur last question is very interesting. Going long time in meditation also affects your real life. Kya meditation karne se asal zindagi mein fark padta hai? Like changes happen in reality, the world that we create in the mind. I like that, Osaf. Good. Pata hai bhai, wo ek bande ko hum sab jante hain na, wo Gandhi ji hote the hamare, jisne Jinnah sahab ke saath Pakistan ko aur India ko azad banaya. ठीक है, वो गांधी जी कहते थे कि जिस दिन हर रोज वो शाम को थके आते थे ना, वो जाके मेडिटेट करते थे 20 मिनट के लिए, और खामोशी में बैठा करते थे. तो जिस दिन बहुत बुरा दिन, बहुत मुश्किल दिन गुजरता था, ठीक है, बहुत मुश्किल दिन गुजरा, हंगामे हो गए, पता नहीं पुलिस ने छापे मार के सब कुट लगाई, इन सब की खुद उनको भी कुट पड़ी, ठीक है, उस दिन वो 20 मिनट बिल्कुल टाइम ना हो, ठीक है ना, तो 20 मिनट नहीं गुजारते थे लेकिन 40 मिनट डबल कर लेते थे टाइम. सो व्हेन यू आर इन ट्रबल यू नीड मोर, यू नीड द स्टिलनेस, बिकॉज़ इफ माइंड गेट्स डिस्टर्ब्ड यू विल गेट इट रॉन्ग, राइट, यू डोंट, यू वांट टू गेट योरसेल्फ सेंटर्ड, योर एनर्जी लेवल हायर रादर देन लेस. वी डू द रिवर्स, वी नीड मोर एनर्जी, वी नीड मोर क्लैरिटी, वी नीड टू मेक बेटर डिसीजंस.
Wonderful. We're receiving a lot of good comments, Naeem Bhai. Thank you very much. Thank you. I think this has been good, very different, the kind of conversation we have had. And thank you for also making us do the exercise. Please, din logon ne dekha, Naeem Zamindar is very, very accessible. You can reach out to him. He's a lovely soul. He gets back. He makes your day, makes you feel special always. He doesn't have all the time in this world, but he still makes it a point to make time for a lot of good causes. And this is one of the things that he does. The meditation sikhana is a passion. He doesn't make any money from it. And he offers it to so many people around. So please do connect with me. I will also try if I can put my name in for a course that we can organize for all of you. Ek aakhri jaate jaate jawab de rahe hain. Motivation lose ho jaati hai. मैं आज मैंने शुरू किया 3 दिन कर लिया फिर मुझसे नहीं हो पाता यू हैव बीन माशाल्लाह यू प्लेड अ लॉन्ग इनिंग नाउ मच लॉन्गर देन मेनी ऑफ अस हाउ हैव यू सस्टेन्ड दिस मोमेंटम लेट्स क्लोज ऑन दैट देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज कमिटमेंट राइट एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स All of us have good days and bad days. All of us. There's nobody in this world. Because, you know, like the planetary movements. Actually, I believe in astrology also, right? Because the planets are affecting there's everything. Like, you know, when you get a full moon, you get a high tide. What? And our bodies are 70% water. So we get affected by everything. You'll have good days, bad days. But in life, you have to put goals, smart goals. Ki yaar, mujhe zindagi mein ye maine commit kiya hai, main karunga. और उसको करके छोड़ूंगा ठीक है हर चीज में और यू नो इफ यू रिलीजन हेल्प्स यू डू दैट टू आई मीन द होल आईडिया वाज टू लॉक यू इन राइट टू मेक यू कमिट टू समथिंग सो सेम थिंग इन योर लाइफ मेक कमिटमेंट्स टू इट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग द थिंग्स यू गॉट टू डू मेक अ डिसिप्लिन प्रोग्राम फॉर योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन कमिटमेंट गुड डेज एंड बैड डेज कम यू जस्ट गेट अप यू से आई हैव कमिटेड टू डूइंग दिस कमिट टू डूइंग गुड थिंग्स Yeah. Chalo, with that note, I will beg leave also. Thank you very much. Thank you. Lovely. You stay well. Stay safe. Thank you. Khuda hafiz. Thank you very much, all of you. This was beautiful. This was, maine naya platform ek try kiya hai. And I'll be continuing on this. Thank you very much, Naeem Zamindar, for your time. For all of you, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा आप सबके साथ अच्छी बात है कि हम अब डिजिटल में भी जो है डेप्थ नजर आ रही है बहुत सारा अच्छा काम कंटेंट जो नजर आ रहा है लॉट ऑफ ये वक्त बड़ा एंगेजिंग वक्त भी है बहुत सारे लोग लाइव जाते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया आपने लर्निंग को प्रेफर किया आपने अपने आप को प्रेफर किया और अपनी बेहतरी को प्रेफर किया सबसे सैड बात ये होगी कि ये सब कुछ खत्म हो जाए लॉकडाउन खत्म हो जाए और हम वैसे के वैसे बाहर आ जाए दैट्स गोइंग टू बी द सैडेस्ट I will see you tomorrow morning, inshallah, with another live session. कल का मौजू है बंदा करोड़ों का कल सुबह 12 बजे मिलेंगे नबील कदीर से जो कि आइडिया करोड़ों का प्रोग्राम बनाए हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम से ताल्लुक रखते हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे कल शाम कल रात 9 बजे हम मिलेंगे इरफान मुस्तफा से हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट One of the biggest food entrepreneurs from Pakistan, और उनसे जानेंगे कारोबार और इस क्वारंटीन के अंदर अपने हालात को मजीद बेहतर कैसे बनाएं आप सबका बहुत शुक्रिया प्लीज सब्सक्राइब टू ऑल माई चैनल यूट्यूब अवेट्स योर अटेंशन बहुत ख्वाहिश है मेरी कि आप मुझे यूट्यूब पर ज्वाइन करें मैं फेसबुक जमाने का हूँ पुराना सो इट विल बी ग्रेट इफ यू ज्वाइन मी देयर थैंक यू वेरी मच सो एंड थैंक यू नायाब फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस एंड माई टीम जालियावाला फॉर मेकिंग सच अमेजिंग थिंग्स हैपन